जिन्होंने यो विभाव्य मनी मन में ये विचार किया कि निज भाव मेरा भक्तों के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम सर्वोत्तम होकर के विराजमान है, तो स्वदैत माने भक्तगण मुझसे प्रेम करते हैं, इस स्वदैत ये भक्तों को भी प्यारा है और श्री श्याम सुंदर को भी प्यारा है। श्याम सुंदर को सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु यदि कोई है तो वो क्या है, प्रेम। जहां जितना ज्यादा प्रेम है उस प्रेम के द्वारा ही श्याम सुंदर कृतकृत्य होती है, धन्य होती है। अब श्याम सुंदर को कोई और चीज की जरूरत तो है नहीं, वे तो आत्माराम पूर्ण काम है। इसलिए श्याम सुंदर निज प्रेम से ही आनंदित होते हैं, स्वदैत निज भावम। जिसका श्याम सुंदर के प्रति ये मेरा है यह ममत्व भाव जितना ज्यादा है उस ममत्व भाव से ही वो ममत्व भाव ही श्री श्याम सुंदर को अत्यंत अत्यंत प्यारा होकर के विराजमान है। तो निज भाव माने ममत्व, ममत्व की अक्षयता कहां होगी, बोले ममत्व की अक्षयता अपने आप ही पता लगती है कि निरुपाधि होकर के ममत्व की अक्षयता है श्री राधा रानी। एक योगी भी ब्रह्म को ममताशय से मैं ब्रह्म परम परम प्रिय है, तो ब्रह्म में परम प्रियता ममता इनको धारण करके ब्रह्म में लीन होना चाहता है, पर उसकी ममता सर्वदा सर्वदा वैशाखियों पर टिकी हुई है विवेक की। ब्रह्म और मैं तत्वतः एक है, इसलिए अंशांशी होने के कारण मैं ब्रह्म में लीन होना चाहता हूं। यदि विवेक की वैशाखी हट जाए तो ब्रह्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। ज्ञानी की जितनी भी वो परम प्रिय करके आत्मा वही तस्मात आत्मा भी श्रोतव्य कीर्तव्य निध्यासितव्य, वो आत्मा का जो कुछ भी एक ज्ञानी जो श्रवण कर रहा है, मनन कर रहा है, निधिध्यासन कर रहा है, वो इसलिए करता है क्योंकि विवेक के द्वारा तर्क के द्वारा उसने ये अनुभव किया कि मैं ब्रह्म का अंश हूं। शास्त्र ये कह रहा है और अनुभव भी कर रहा है कि वह कहीं, इसलिए वह विवेक के आधार पर कहीं अनुमान युक्ति और शास्त्र, अनुमान युक्ति और शास्त्र इन तीन के आधार पर वह यह विचार कर रहा है कि मैं परमात्मा का अंश हूं, और इस विवेक के वैशाखी के ऊपर ही उसका मैं ब्रह्म हूं यह पूरा ज्ञान टिका हुआ है। यदि यह वैशाखी टूट जाए तो वो धम्मे से नीचे गिर जाए। परंतु एक प्रेमी का श्याम सुंदर के साथ में जो प्रेम है वह प्रेम किसी वैशाखी के ऊपर नहीं टका हुआ है, व्यवहार में देखने में आता है। कोई पति अपनी पत्नी से, कोई पति अपनी पत्नी से, पत्नी पति से, कोई पिता अपने पुत्र से इसलिए प्रेम नहीं करता है कि ये सुंदर है कि असुंदर है, इसमें गुण है कि नहीं है। चाहे पुत्र सर्वथा गुणहीन हो, पिता सर्वथा गुणहीन हो, परंतु फिर भी स्वाभाविक रूप में प्रीति होगी, पति पत्नी की स्वाभाविक रूप में प्रीति होगी, गुण है या नहीं। विवाह होने के पूर्व विवाह करने में चाहे कितने भी गुण रहे हो, परंतु जब प्रीति जुड़ गई उस समय गुण नहीं देखे जाएंगे। तो व्यवहार में ही जब ये देखने में आता है कि गुणों का विचार कहीं पिछड़ गया, वो अपने आप ही प्रभावहीन हो गया, और जो संबंध है परिवार में पत्नी के जो संबंध हैं, पिता पुत्र के जो संबंध हैं, जो रक्त संबंध हैं, वे रक्त संबंध
किसी गुण के आधार पर टिके हुए नहीं है। तो जहां पर श्री प्रियालाल है, जो प्रीति है, वह तो किसी गुण के आधार पर टिकी हुई है ही नहीं, वह तो स्वाभाविक होकर के ही विराजमान है, मूलतः स्वभावतः होकर के ही वह विराजमान है, स्वाभाविक होकर के विराजमान है। इसलिए प्रीति ही मुख्य भाव है। और श्री शांतनाथ कह रहे हैं प्रीति जितनी उपाधि से रहित होगी उतनी ही प्रीति गहरी होती हुई चली जाएगी। इसीलिए वैकुंठवासी जनों की अपेक्षा द्वारकावासी जनों में प्रीति अधिक निरुपाधि है। वहां ऐश्वर्य का ज्ञान है, पर यहां ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं है। द्वारकावासी जनों की अपेक्षा मथुरावासी जनों में और भी कम उपाधि है, व्यक्तिगत संबंध और भी ज्यादा है। और ब्रज में आते आते तो पूरी तरह से कहीं व्यक्तिगत संबंध ही एकमात्र संबंध की प्रधानता है, गुणों की प्रधानता अपने आप ही दूर होती हुई चली जा रही है। इसलिए जहां प्रीति में कोई कारण नहीं है, कारण जितना जितना हटता जाएगा उतनी उतनी प्रीति अधिक गंभीर होती हुई चली जाएगी। और श्री प्रियालाल जो इन दोनों की जो प्रीति है उसमें तो कहीं कोई कारण है ही नहीं, इसलिए वो प्रीति सर्वोत्तम होकर के श्याम सुंदर को प्यारी है, उसमें कोई दूसरा हेतु है ही नहीं। संसार में तो जो दृष्टांत दिया उस दृष्टांत में तो न जाने कितने हेतु ढूंढने जाएंगे और कितने हेतु छिपे हुए सोए हुए पड़े हुए हैं, वो तो सब व्यर्थ के दृष्टांत हैं। केवल केवल एक संकेत मात्र करने के लिए उसको कह दिया गया कि जो संबंध है संबंध की प्रधानता, परंतु श्री प्रियालाल का जो संबंध है वो संबंध तो अत्यंत अत्यंत प्यारा है। अतः स्वदयित निज भावम, जो निज भाव है वही प्रधान होकर के विराजमान, और वो श्री श्याम सुंदर को ही सबसे ज्यादा अच्छा है। विभाव्य उसका श्री श्याम सुंदर ने जब विवेचन भी किया तो विवेचन करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि श्री ब्रज गोपिकाओं का मुझमें जो प्रेम है वह स्वभाव वह स्वाभाविक होकर के ही विराजमान है। स्वदैत निज भावम, श्याम सुंदर का प्यारा है प्रेम भाव, यह प्रेम भाव स्वभाव स्वभाव के कारण ही विराजमान है। इस बात का विवेक करके भी श्री श्याम सुंदर ने, विवेक की तराजू पर तोल करके भी श्याम सुंदर ने इसका अनुभव किया। और ऐसे स्वाभाविक प्रेम को जिसमें कोई भी कहीं कोई छल है ही नहीं, ऐसे प्रेम के सर्वोत्तम स्वरूप को यदि कहीं प्राप्त करना है तो हाय कृष्ण बनकर के मैं उस प्रेम का आस्वादन नहीं कर सकता हूं। मिश्री बनकर के मिश्री का स्वाद परिपूर्ण रूप से नहीं लिया जा सकता, मिश्री से अलग होकर के ही मिश्री का स्वाद लिया जा सकता है। ऐसे ही विषय बन करके अपने विषय स्वरूप का आस्वादन प्राप्त नहीं कर सकता हूं, जब तक मैं आश्रय नहीं बनूंगा तब तक अपने उस स्वरूप का आस्वादन मुझे प्राप्त नहीं होगा। इसलिए श्री श्याम सुंदर के हृदय में आश्रय जातीय प्रेम को प्राप्त करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई। इसलिए सुमधुर मवती लो भक्त रूपेण लोभा, श्री कृष्ण स्वयं भक्त रूप में आप प्रकट हो गए। यहां पर एक विचार है, महाप्रभु का जो स्वरूप है वो क्या राधा कृष्ण दोनों मिले तो मिलकर के कोई तीसरी नई धातु बन गई? रांगा और तामा, रांगा का भाग थोड़ा ज्यादा है, तामे का भाग थोड़ा कम है, इन दोनों को मिलाया तो पीतल बन गया, मतलब दो धातु मिलकर के एक तीसरी बन गई। क्या श्रीमद महाप्रभु ऐसे हैं? विचार करेंगे पता लगेगा ना, ऐसे नहीं। महाप्रभु तत्वता कौन है? कृष्ण ही है। महाप्रभु दो धातु से मिलकर के तीसरी कोई एलॉय धातु बन गए हो ऐसा नहीं है,
तत्वतः महाप्रभु कृष्ण ही है। राधा भावद्युत सुवलितम नौमी कृष्ण, महाप्रभु का, महाप्रभु का जो वास्तविक स्वरूप है वो कृष्ण स्वरूप है। दोनों मिल भले गए पर मिलने पर भी तत्वतः अंत कृष्ण बहिर्गौरम, श्री भीतर कृष्ण हैं, बाहर से उन्होंने गौर वेश और भाव इन दोनों को धारण कर रखा है। तत्वतः श्रीमद महाप्रभु दो वस्तुओं को मिलकर के कोई तीसरी वस्तु पैदा हो गई हो ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण वे ही सर्वोत्तम भाव का आस्वादन करने के लिए कृष्ण ही गौर होकर के विराजमान हुए हैं। अब प्रेम का दान करना है इसलिए वे गौर हो गए, क्योंकि गोली ज्यादा उदार है, सामने थोड़ी कंजूस हैं, वैश्य जाति है, गोप जाति है, गोप जाति थोड़ी सी गोप जाति में आती है, गोप जाति वैश्यों में आती है, और वैश्य थोड़े से थोड़ा सा धन को भीज करके रखते हैं इसलिए जल्दी से देते नहीं है, परंतु गोली ज्यादा उदार है इसलिए उदार होकर के बांटना था, इसलिए कांति की जरूरत पड़ी, परंतु स्वयं आस्वादन करना था इसलिए भाव की जरूरत पड़ी। सो राधा भाव द्युति सुवलितम, भाव से युक्त भी है और कांति से युक्त भी है। भाव से युक्त होकर के तो आश्रय जाति प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं, और कांति से युक्त होकर के वे उस प्रेम का जीव मात्र को दान कर रहे हैं। बोलो श्री राधा रानी की। तो कांति जो है वो बाहर प्रकट हो रही है, वो वदान्यता प्रकट करने में, उदारता प्रकट करने के लिए तो कांति की आवश्यकता पड़ी, परंतु आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण को राधिका भाव की आवश्यकता पड़ी। अब भाव का पूरी तरह से आस्वादन करने के लिए कांति की भी जरूरत है, इसलिए कांति का को धारण करते हुए भी वे आस्वादन सुविधा से प्राप्त करेंगे, इसलिए कांति प्राप्त करना सुविधा के लिए है। मूलतः भाव राधिका का आना चाहिए, उस भाव का आस्वादन करने के लिए श्री महाप्रभु राधा भाव द्युत सुगलित होकर के विराजमान। महाप्रभु का वास्तविक जो स्वरूप है वो वास्तविक स्वरूप कृष्ण स्वरूप है, परंतु राधा भाव भाव और द्युति दोनों से युक्त होकर के विराजमान है। जहां भी महाप्रभु की वंदना की गई वहां पर, यहां पर भी जैत जो भक्त रूप है, लोभा जैत कनक धामा कृष्ण चैतन्य नाम, श्री कृष्ण ही चैतन्य होकर के विराजमान हुए वे, पर उन्होंने कनक धामा गौर कांति इनको धारण किया, और गौर कांति को धारण करके विराजमान। एक बार बड़े भाव के सामने बड़ा उस समय एक विवाद उत्पन्न हो गया था, फिर बाबा कहीं विवाद से बचने के लिए छोड़ करके कहीं छिप गए, अंडरग्राउंड हो गए, बोले विवाद शांत हो जाएगा तब आएंगे। बड़े बाबा उनके चरित्र में आता है इसी बात को, यही प्रश्न उपस्थित हुआ कि महाप्रभु का जो स्वरूप है वो मिलित स्वरूप है कि राधा भाव द्युति सुमिलित स्वरूप है। कृष्ण भाव और कांति श्री राधिका की धारण कर रखी है, या दोनों मिलकर के बस एक ही स्वरूप हो गए हैं। इस बात को लेकर के थोड़ा विवाद था, परंतु बाद में जो निर्णय शास्त्र के आधार पर जहां निर्णय प्राप्त होता है वहां पर निर्णय यही है कि कृष्ण आश्रय जाति प्रेम का आस्वादन प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए कृष्ण ही गौर होकर के विराजमान हुए, परंतु श्री राधिका भाव को उन्होंने स्वीकार किया, राधिका भाव को स्वीकार करके वे विराजमान है। अब जब राधिका भाव को स्वीकार किया तो राधिका की भी जितनी भी तीन अभिलाषाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी, सखियों की अभिलाषा भी पूरी हो जाएंगी, परंतु मोक्ष जो स्वरूप है वो मोक्ष स्वरूप कृष्ण ही श्री गौर होकर के विराजमान। गौर और कृष्ण दो अलग अलग नहीं है, परंतु श्री कृष्ण भाव और द्युति इन दोनों में श्री राधिका भाव और द्युति दोनों से सम्मिलित हैं। द्युति धारण करने की आवश्यकता यह कि जब तक द्युति धारण नहीं करेंगे तब तक वो भाव आएगा नहीं। जैसे यदि कोई
टाई कोट पहन करके एक कल्पना करो, हेडबेट लगा करके टाई कोट पहन करके और ये निकुंज की धारणा करें तो धारणा आएगी नहीं। जब तक गोपी वेश, जब तक तिलक मस्तक के ऊपर नहीं होगा, कंठी नहीं होगी, आंगत्य नहीं होगा, गोपी वेश नहीं होगा, जैसे वो भाव कहीं स्फूर्ति नहीं होगा, अनुकूल वातावरण नहीं होगा तो भाव स्फूर्ति ही नहीं होगा। सिपाही जब तक बेल्ट नहीं पहने, अपने सिर के ऊपर कैप नहीं पहने, तब तक उसका हाथ सैल्यूट करने के लिए मिलिट्री के धन से उठेगा नहीं, यही करते हुए प्रणाम करता रहेगा। तो जैसे यूनिफॉर्म होने पर जो भाव है वो अपने आप प्रकट होता है, ऐसे ही श्री महाप्रभु राधिका भाव का आस्वादन करना चाहते हैं। भाव का आस्वादन प्राप्त करने के लिए पहले महाराज गोपी वेश तो धारण करो, गोपी कांति तो धारण करो, जब कांति आएगी तो भाव आएगा। तो जो भाव है उसका आस्वादन करने के लिए द्युति उसकी भी आवश्यकता हुई। फिर श्री राधा रानी महाप्रभु के साथ में विराजमान है, द्युति प्रदान करके विराजमान है, इसलिए उदार होकर के उन्मुक्त रूप से बांटेंगे। तो श्याम सुंदर ने द्युति धारण की अपने लिए जिससे भाव का आस्वादन हो सके, और शिव प्रिया जी द्युति धारण करके विराजमान हुई वो इसलिए कि जीव मात्र को अपूर्व प्रेम का दान करती हुई विराजमान हो सके। अतः द्युति की भी आवश्यकता है, परंतु मुख्य रूप से श्री कृष्ण आश्रय जाति भाव का आस्वादन प्राप्त करने के लिए ही श्री गौर होकर के विराजमान हुए। कृष्ण रूप छूट गया हो, राधिका रूप छूट गया हो और एक तीसरा स्वरूप प्रकट हो गया हो, सो बात नहीं है। महाप्रभु का अपना जो वास्तविक स्वरूप है वह आश्रय जाति प्रेम का आस्वादन करता हुआ कृष्ण का स्वरूप ही है। सो स्वदैत भावम यो विभाव्य स्वभाव, जिन्होंने अपने परम प्रिय निज भाव को विभावी माने उसके ऊपर जब विचार किया तो ये पाया कि स्वभावत ये भाव कहीं विराजमान है तो श्री राधिका में विराजमान है और ये भाव मुझे भी आस्वादन करना है, आपके हृदय में भी वो अभिलाषा उत्पन्न हुई। और उस समय सुमधुर मवतीर्णः, वे श्री कृष्ण सुमधुर रूप में कृष्ण लीला के ही परिशिष्ट रूप में आगामी कलयुग में अवतीर्ण हुए। 28 में द्वापर में जब कृष्ण लीला हुई तो 28 में ही कलयुग में श्री गौर हरि का अविकल रूप में एक ही इतिहास क्रम में उस समय अवतार हुआ और कृष्ण लीला का ही परिशिष्ट रूप गौर लीला है। गौर लीला कोई अलग नहीं है, कृष्ण ही आश्रय जाति आस्वाद को प्राप्त करते हुए आगामी कलयुग में जिस द्वापर में गौरहरि का अवतार कृष्ण का अवतार हुआ उसके आगामी कलयुग में श्री कृष्ण ही गौर होकर के अवतरित हुए। तो सुमधुर मवतीर्णः, वे सुमधुर रूप में श्री गौर देश में अवतीर्ण हुए। भक्त रूपेण लोभा, भक्त का आवेश धारण करके विराजमान हुए और लोभ पूर्वक भक्त रूप में वे जगत को भी प्रेम का दान करते हुए विराजमान है। भक्त रूप में स्वयं भी प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं और दान कर रहे हैं। ईश्वर रूप में अपना भक्त स्वरूप नहीं आ सकता है, इसलिए भक्तावेश धारण करके श्री महाप्रभु विराजमान हुए। भक्त रूप में लोभा जयति कनक धामा, उनकी स्वर्ण कांति, स्वर्ण जैसी उनकी अंग कांति है। कृष्ण चैतन्य नामा, जो कृष्ण ही हैं, परंतु जगत को जो चेतना प्रदान करते हुए विराजमान है कृष्ण चैतन्य नामा। चैतन्य कौन? बोल जो चेतयति इति चैतन्य, जो अपूर्व रूप से जगत को भी चेतना प्रदान करते हुए विराजमान है कृष्ण चैतन्य नाम। हरि रहि यति वेशः, उन श्री गौर हरि की हम वंदना कर रहे हैं।
हरि माने पाप का हरण करने वाले, पाप का हरण करने वाले भक्तों की जितने भी अज्ञान उसका हरण करने वाले होकर के जो विराजमान है। यति बेशा श्री सनातन गोस्वामी जी का सीधा सीधा जो संबंध है वो श्री महाप्रभु के संन्यास वेश के साथ में है। तो उसी वेश में श्रीमद महाप्रभु ने विशेष रूप से श्री सनातन गोस्वामी जी के ऊपर कृपा की। इसमें यतिवेश कहकर के ये एक संन्यास का रहस्य भी सामने प्रकट कराया कि श्रीमद महाप्रभु संन्यास इसलिए ग्रहण कर रहे हैं कि यदि आप नवद्वीप में ही विराजमान रहे और उस समय यदि प्रेम की शिक्षा देते रहे, भक्ति की शिक्षा अपने विद्यार्थियों को देते रहे, तो कुछ विद्यार्थी ऐसे रहे जिन्होंने ये कहा कि अरे हमारे गुरुजी का दिमाग फिर गया है, हम कोई प्रश्न करते हैं और गुरुजी उसका प्रेम परक उत्तर देते हैं, भक्ति परक उत्तर देते हैं। एक दिन श्रीमद महाप्रभु प्रेम आवेश में आकर के उस समय कहीं गोपी गोपी इसका जप कर रहे हैं, कोई शिष्य कह रहे गोपी ये क्या जप करने का कोई मंत्र है क्या, अरे राम नाम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, गोपाल जपो, जय गोपाल जय गोविंद ये जपो तब तो ठीक है, ये गोपी कौन सा मंत्र है, गोपी गोपी जप रहे हैं ये गोपी कौन सा मंत्र है। और श्री महाप्रभु कहीं प्रिया जी मान धारण करके विराजमान हैं और श्री श्याम सुंदर उस समय प्रिया जी को मनाने के लिए आए हैं इस भाव में कहीं विराजमान हैं और श्री स्वामी की महिमा उनका श्याम सुंदर जैसे गायन कर रहे हैं प्रणाम कर रहे हैं उसी भाव में आविष्ट होकर के गोपी गोपी जप रहे हैं कि मेरी स्वामी परम श्रेष्ठ, मेरी स्वामी परम श्रेष्ठ है, श्याम सुंदर भी इस तरह से कह रहे हैं। तो जब कहा कि ये गोपी गोपी कौन सा जपना है तो महाप्रभु लठ लेकर के उस विद्यार्थी को मारने के लिए दौड़े और विद्यार्थी उस समय भाग गया, महाप्रभु से किसी तरह से बच गया, नहीं तो महाप्रभु तो उसका सिर फोड़ देते, वो तो बच गया दौड़ करके चला गया। उसने कहा नाना अब गुरु जी के पास में कोई बच्चा नहीं, जो उस विद्यार्थी की बातों में आगे उन्होंने महाप्रभु की पाठशाला छोड़ दी। जब वे गए तो महाप्रभु का अपराध करने के कारण जो कुछ भी पढ़ा था सब भूल भूल गए, उनकी विद्या असफल हो गई, परंतु जिन्होंने फिर भी महाप्रभु के प्रति आदर रखा वे श्रीमद महाप्रभु को छोड़ नहीं रहे हैं, परंतु महाप्रभु कह रहे हैं कि भाई अब मैं तुमको नहीं पढ़ा पाऊंगा, जाओ तुम मुक्त हो, जो तुमने पढ़ा है वो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो और उसी फल को प्राप्त करते हुए तुम मैंने जो बताया उसके आधार पर ही तुम आगे चलो। श्रीमद महाप्रभु विचार कर रहे हैं कि मेरे शिष्य रहे और मेरा अपमान करके निरादर करते हुए गाली गलौज करते हुए या निंदा करते हुए, गाली गलौज नहीं भी की होगी, निंदा करते हुए ये चले रहे हैं, हाँ इनका अधपतन हो जाएगा, इनका अधपतन न हो, यदि मैं संन्यास वेश धारण कर लूंगा तो अभी जो लोग मेरे प्रति असूया कर रहे हैं वे भी मुझे प्रणाम करेंगे और सन्यासी वर्ग भी मेरे वेश को मेरे वस्त्रों के रंग को देख करके मुझे प्रणाम करेगा और प्रणाम करने से उनका जो मेरे प्रति अवज्ञा का भाव है वो अवज्ञा का भाव दूर हो जाएगा, इसलिए श्री महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करने का विचार किया और संन्यास ग्रहण करके विराजमान। तो हरि भी भक्तों के अपराध का पाप का हरण करने वाले होकर के जो विराजमान हैं, यति वेशः जिन्होंने यति का वेश धारण किया परंतु भीतर से परम रसिक। अब ये रसों की बड़ी अद्भुतता है कि जो एक कौपीन एक करवा एक गुदरी उसके द्वारा जीवन बिता रहे हैं, परम विरक्त होकर के विराजमान हैं, परंतु तो गायन क्या कर रहे हैं, बोले श्री युगल के विलास का व्यवहार देखो एकदम विरक्त रूप सनातन का, और हृदय देखो
तो माखन से भी कोमल एकदम रसमय जिनका हृदय होकर के विराजमान। अभी हम विदग्ध मार्ग देकर के आए, विदग्ध मार्ग का दर्शन किया, जीवन एकदम कठोर तप से युक्त और व्यवहार हृदय एकदम कोमल होकर के विराजमान। श्रीमद महाप्रभु भी यति वेश धारण कर रहे हैं, ऊपर से एकदम नियम पक्के और भीतर से सर्वदा सर्वदा श्री राधा भाव में युक्त होकर के श्री कृष्ण माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करते हुए विराजमान है। श्री शची सुन एशा, वे श्री शची सुन हमारे ऊपर विशेष रूप से कृपा करें। शची सुन कहकर के ये मत समझना कि यति वेश धारण कर लिया तो कहीं मां का त्याग कर दिया हो। महाप्रभु के जहां अष्टोत्तर शतनाम या शास्त्र नाम निरूपण किए गए तो वहां पर एक बड़ा प्रिय नाम है मातृभत्सल, मातृभक्त। महाप्रभु का एक नाम है मातृभक्त। श्री शची मां का सर्वदा सर्वदा सेवा करते हुए ही विराजमान और समय समय पर शची मां को कभी आविर्भाव के द्वारा, कभी पत्र भेज करके, कभी अपने संदेश वाहकों को भेज करके मां की कुशल सर्वदा सर्वदा पूछते हुए विराजमान। कभी व्याकुलता हो तो स्वयं कहें बोलो उस दिन तुमने ये शाक रचना की थी, ये पाक रचना की थी और मैंने उस समय उसको खाया। मां ये समझ नहीं है कि हाय की बिल्ली खा गई होगी, क्या जंग रसोई बनाई कि नहीं, हाँ इतनी देर हो गई क्या मैंने रसोई नहीं बनाई, क्या रसोई पाक नहीं किया क्या। तो मां भ्रम में रहे और मां पर कह रहे नहीं 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 मैं स्वयं ही तुम्हारे यहां पर आया था, तुमने भोजन कराया और मैंने भोजन किया था। तो अनेक अनेक बार श्रीमद महाप्रभु इस बात को कहीं प्रमाणित करते हुए भी विराजमान। सो श्री शची सुन कहकर के भले यति वेश है परंतु यति वेश होते हुए भी श्री शची नंदन होकर के भी विराजमान है। माँ शची उनका निरंतर निरंतर स्मरण करते हुए विराजमान और शची सुन कहकर के दिखला रहे हैं कि जिनने श्री शची माँ के प्रति आदर की भावना की उनके ऊपर श्रीमद महाप्रभु की कृपा भी सही रूप से प्राप्त हो जाएगी। ऐसे श्रीमद महाप्रभु का स्वरूप जो तत्व में रस में जो परम अत्यंत अंतरंग प्रयोजन है अवतार का, उस अंतरंग प्रयोजन का भी निरूपण किया, संन्यास वेश का भी निरूपण किया और भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने वाला जो कृपा में वेश है उस कृपा में स्वरूप का भी यहां इस श्लोक में वर्णन, तीन वस्तुओं का वर्णन, अवतार का गूढ़तम प्रयोजन, अवतार का मुख्य प्रयोजन प्रेमदान, गूढ़तम प्रयोजन निज आस्वाद की प्राप्ति और संन्यास जो है उसके द्वारा जगत का कल्याण करना और जगत के अपराध का खंडन करना, ये महाप्रभु के अवतार के तीनों प्रयोजनों का यहां एक श्लोक में ही श्री बड़े गोसाई जी ने निरूपण कर दिया। स्मृताय गौर हरि गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, श्री राधा गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गुरु श्री गौर हरि, जय जय श्री राधे कृष्ण।